मैं शनिवार के दिन जो वांगनी में पॉइंट्समैन का काम कर रहा था, तो उस दौरान एक बच्चा और उसकी माँ जो प्लेटफॉर्म से गुजर रही थी, वो लेडी तो ब्लाइंड थी लेकिन वो बच्चा शरारती था। वो बच्चा धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से किनारे जा और गया और फिर नीचे गिर पड़ा। तो मैं नीचे खड़ा था वो झंडी दिखाने के लिए, उसी दौरान वो ट्रेन भी सामने से आ रही थी कि माँ को बच्चा हाथ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो ब्लाइंड थी पूरी तरह से। उस काम में मुझे बहुत सारा यश मिला और 100% मेरा काम यशस्वी हुआ। समाज माध्यम से और रेलवे प्रशासन से हर जगह से मेरे पे अप्रिशिएट हो रहा है, तो फिर मेरे को ऐसा गर्व महसूस हो रहा है कि जिंदगी में अपने हाथों से कुछ अच्छा काम हो रहा है। तो शायद वो बच्चे की भी जान बच गई और अपने से कुछ समाज में एक अच्छा पॉजिटिव ये आ रहा है, सामने आया कि चलो समाज में कोई लोग ऐसे देखते रहते हैं लेकिन ये सब देखने वाली चीजें नहीं है। जी ने भी ट्वीट किया कि उनका कॉल आया। हाँ, उनका पर्सनल कॉल आया था, मेरे को पर्सनल कॉल किया था उन्होंने, पीयूष गोयल सर माननीय, तो उन्होंने भी कॉल किया था। उन्होंने बहुत बहुत बधाई दी और मेरे को बहुत सारा कि ऐसे ही काम करते हो, रेलवे का यहाँ रेलवे के कॉलर ऊपर की, फिर बहुत सारा उन्होंने धन्यवाद भी दिया मेरे को। जी, सोशल मीडिया का जमाना है तो आजकल तो सब लोग देखते रहते हैं और अच्छे कामों को सराहा जाता है, तो मैं तो ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहता लेकिन ये सब सुन के और देख कर फिर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। वो तो एकदम बेहोश हो गई थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया क्या नहीं, क्योंकि उन ब्लाइंड थी पूरी तरह से, उनको पता भी नहीं था बच्चा बच गया या कुछ हो गया। लेकिन फिर उनको बताया कि आपका बच्चा बच गया, तो बहुत ही बहुत एकदम इमोशनल हो गई। अच्छे, मेरे को बहुत सारा उन्होंने धन्यवाद दिया ना। ऐसे समाज में बहुत सारा घटना घटती रहती है लेकिन बहुत सारा लोग देखते रहते और उसका वीडियो निकालते रहते, लेकिन ऐसी जान बचाने की कोशिश बहुत कम लोग रहते करते हैं। तो मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा, अगर अपने से कुछ समाज के लिए हो सकता है तो जरूर करना चाहिए। वांगनी में पॉइंट्समैन का काम कर रहा था, तो उस दौरान एक बच्चा और उसकी माँ जो प्लेटफॉर्म से गुजर रही थी, वो लेडी तो ब्लाइंड थी लेकिन वो बच्चा शरारती था। वो बच्चा धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से किनारे जा और गया और फिर नीचे गिर पड़ा। तो मैं नीचे खड़ा था वो झंडी दिखाने के लिए, उसी दौरान वो ट्रेन भी सामने से आ रही थी और वो बच्चे की माँ को बच्चा हाथ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो ब्लाइंड थी पूरी तरह से। तो फिर मैंने सोचा उसकी जान बचाना तो अपने को कुछ प्रयास करना जरूरी है, फिर मैंने दौड़ लगाई लेकिन बीच में मेरे को ख्याल आया कि शायद ये अपनी जान पे भी आ सकता है। फिर मेरे को बच्चा दिखाई दिया सामने कि मैं उसको बचाना, अगर बचा सकता हूँ तो उसकी जान अच्छी से सुरक्षित रह सकती है। लेकिन उस काम में मुझे बहुत सारा यश मिला और 100% मेरा काम यशस्वी हुआ। इस सीसीटीवी सामने आने के बाद कई लोगों ने आपको शुभकामनाएं दी होगी, कई लोगों ने भी, पीयूष गोयल सर ने भी ट्वीट किया, तो आपको किस तरह का फोन आया, लोगों को क्या शुभेच्छा दिया गया? जी सर, समाज माध्यम से और रेलवे प्रशासन से हर जगह से मेरे पे अप्रिशिएट हो रहा है, तो फिर मेरे को ऐसा गर्व महसूस हो रहा है कि जिंदगी में अपने हाथों से कुछ अच्छा काम हो रहा है। तो शायद वो बच्चे की भी जान बच गई और अपने से कुछ समाज में एक अच्छा पॉजिटिव ये आ रहा है, सामने आया कि चलो समाज में कोई लोग ऐसे देखते रहते हैं लेकिन ये सब देखने वाली चीजें नहीं है। जी ने भी ट्वीट किया कि उनका कॉल आया। हाँ, उनका पर्सनल कॉल आया था, मेरे को पर्सनल कॉल किया था उन्होंने, पीयूष गोयल सर माननीय, तो उन्होंने भी कॉल किया था। उन्होंने बहुत बहुत बधाई दी और मेरे को बहुत सारा कि ऐसे ही काम करते हो, रेलवे का यहाँ रेलवे के कॉलर ऊपर की, फिर बहुत सारा उन्होंने धन्यवाद भी दिया मेरे को।